हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग कर्व। तो अज आप करांगे इंग्लिश दे विच द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द बेसिक चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, ग्रामर दे विच आप देख रहे हैं कि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट साडे राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करते हैं। जे साडे ग्रामर वधिया होंदी है तो साडी राइटिंग स्किल्स भी वधिया होंदे ने। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड कीवें एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये की आते हैं एरर्स आते हैं। ठीक है, फाइंड एरर्स एंड फिलअप्स वगैरह आ जाते कि कंप्लीट द सेंटेंस करके अपन क्वेश्चन आते एग्जाम्स। ओके, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के सब तो पहला सूँ पता की होना चाहिए, वट इज़ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। मतलब जो सू सेंटेंस दिता है वो सब्जेक्ट की है तो साडा वर्ब की है। ओके, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। किवें आइडेंटि हूँ आप भी सीखना है कि सेंटेंस के आप किवें आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट की है तो वर्ब की है साडे सेंटेंस के। ओके, एंड अगे आप करांगे हाउ वट एग्जैक्टली द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज। हुण आपां इह किवें याद मतलब किवें सानू इहदे विच आपां इह नो मतलब जानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल दे विच हैगी की है। ठीक है, एंड बेसिक रूल सराउंडिंग इट। तो बेसिक रूल सराउंडिंग इट आपां मतलब ये नहीं करना कि पूरी थ्योरी कवर करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नू करिए फिर उदा कंसैप्ट क्लीयर नहीं होंदे। आपां एग्जाम ओरिएंटेड देखना है कि रूल्स मतलब रूल्स करांगे नाल नाल उन्हां दे एग्जाम्पल्स करांगे ते तुसीं देखना कि तुहानूं किन्नी ईजीली वे दे नाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट टॉपिक दे उत्ते तुहाडी कमांड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड देख के आपां तुहाडा टाइम भी नहीं वेस्ट करना ते बिल्कुल क्लीयरली कंसैप्ट तुहाडे अगे रख देना। ठीक है, हुण आपां तुहानूं मैं दसदी हुण तुसीं इह कहोगे कि सब तो मैं तुहानूं सैकिंड क्वेश्चन कीता कि हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द वर्ब इन अ सेंटेंस। हुण बच्चे कहणगे कि सेंटेंस दे विच सानूं सब्जेक्ट ते वर्ब ते आइडेंटिफाई करना आंदा ही है, है ना। पर मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे के दसदी हाँ कि मैं किस गल दे उत्ते एम्फेसिस कर रही हाँ। ठीक है, हुण मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रही हाँ, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड। हुण इत्थे इज़ आएगा कि आर आएगा, क्वेश्चन इदा दे आंदे है आपां नूं एग्जाम्स दे विच आंदा है इदा दा क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज आर आएगा या इज़ आएगा। मतलब इत्थे जिहड़ी वर्ब यूज़ होनी है वो इज़ होएगी कि आर होएगी। हुण ये सानू उदों ही पता लगता जदों असीं सब्जेक्ट नूं आइडेंटिफाई करना सीख जाने एक सेंटेंस दे विच। ठीक है, हुण जे आपां पुछिए किसी बच्चे नूं कि तुहाडा तुसीं मैनूं आइडेंटिफाई करके दसो कि सेंटेंस दे विच ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਮ ਮੈਂਗੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂਗੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਜ਼ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਥਿੰਗ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਥਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦ ਐਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਬਜੈਕਟ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ। ਓਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੇਇੰਗ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਲੇਇੰਗ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ, ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵਰਬ, ਵਰਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
action performed by the subject means ki ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਲੇਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੈਗੂਲਰਲੀ सेंटेंस की है विराट कोहली प्लेज क्रिकेट रेगुलरली विराट कोहली रोज क्रिकेट खेलता है हुण इहदे विच तुसीं दसो कि साडा सबजैक्ट की है हुण इह दसो सबजैक्ट उही हुंदा है कि जिहड़ा एक्शन परफॉर्म कर रहा है एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है विराट कोहली विराट कोहली की है साडा की है सबजैक्ट ओके विराट कोहली प्लेज क्रिकेट हुण विराट कोहली एक्शन किहड़ा परफॉर्म कर रहा है खेड रहा है ना विराट कोहली खेड रहा है मतलब दिस इज की इहदी की है वर्ब ठीक है क्लीयर है हुण तुहानूं आइडेंटिफाई करना आ गया कि साडे एक सेंटेंस दे विच किहड़ा सबजैक्ट है ते किहड़ी साडी वर्ब है ओके क्लीयर है हुण तुसीं इहदे विच एक इह चीज़ भी देखनी है कि विराट कोहली सिंगुलर है एक परसन है ते सिंगुलर लवांगे उहदे नाल सिंगुलर वर्ब लगी हुई है ठीक है सेंटेंस हुण तुसीं इह देखना है कि किहड़ी चीज़ किहड़े सबजैक्ट नाल साडी सिंगुलर वर्ब यूज़ हुंदी है ते किहड़े सबजैक्ट नाल साडी प्लूरल वर्ब यूज़ हुंदी है ओके चलो हुण मैं तुहानूं दसदी हाँ कि सबजैक्ट किस किस रूप दे विच हुंदा है बेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू सबजैक्ट जिहड़ा हुंदा है वो थ्री फॉर्म्स दे विच लिया जांदा है ओके फर्स्ट वन इज द फर्स्ट परसन सैकेंड परसन एंड थर्ड परसन हुण फर्स्ट परसन दे विच साडे की आ जांदे आ आई ते वी फर्स्ट परसन दे विच सबजैक्ट की आ जांदा आई ते वी ओके एंड सैकेंड परसन दे विच की आ जांदा यू थर्ड परसन दे विच केड़े आंदे आ ही शी इट और दे हुण मैं जदों भी समझांदे हो यूज़ करूँगी कि इत्थे फर्स्ट परसन यूज़ होया ते सैकेंड परसन यूज़ होया ते थर्ड परसन यूज़ होया ते तुसीं देखना कि आई ते वी जे यूज़ होया ते मैं फर्स्ट परसन दी गल करूँगी यू यूज़ होया ते सैकेंड परसन ही शी इट दे यूज़ होया ते थर्ड परसन दी गल करूँगी ठीक है हुण तुसीं इस चीज़ नूं याद रखना है कि फर्स्ट परसन सैकेंड परसन ते थर्ड परसन दे विच किहड़ी किहड़ी चीज़ मैं लई सी ठीक है हुण जे साडा जिहड़ा साडा सबजैक्ट है ओह की है सिंगुलर भी हो सकदा है ते प्लूरल भी हो सकदा है सबजैक्ट जिहड़ा साडा सिंगुलर भी हो सकदा है और प्लूरल भी हो सकदा है ओके सबजैक्ट तो सिंगुलर प्लूरल हो सकदा है बट सानू देखना है कि सबजैक्ट दे अकॉर्डिंग साडी जिहड़ी वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी ठीक है आही आपा देखना रूल्स दे विच यही है एक्चुअली सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके हुण सबजैक्ट वर्ब एग्रीमेंट साडी हैगी की है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हुण आपां डेफिनेशन की दे सकते हैं कि फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट मीन्स जिहड़ी वर्ब है ओ सब्जेक्ट दे नाल एग्री होनी चाहीदी है ओके एग्री होएगी मतलब किवें जदों आपां सिंगुलर परसनस दे नाल सिंगुलर वर्ब यूज़ करदे हां ते प्लूरल वर्ब नाल प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट दे नाल प्लूरल वर्ब यूज़ करांगे ठीक है पर यह चीज़ चेंज भी हो सकती है यही मैं तुहानूं दस्सांगी कि किद्दां आपां करना है ठीक है यही साडे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे विच जिहड़े जे तुहानूं पता होण ते तुसीं कोई भी क्वेश्चन नूं फेस कर सकदे हो ओके फॉर मेकिंग अ सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट A verb must agree with its subject. Okay? Clear है साड़ी definition जिहड़ी अपनी है subject verb agreement की ठीक है हुण subject verb agreement की definition है तुसीं इदां भी relate कर सकते हो कि for a happy married life a husband must be agree with his wife whatever she says. Okay? मतलब husband नूं agree होना पैंदा उहदी जे wife जो भी उहदी कहिंदी है ताहीं तां एक happy married life हुंदी है ओके चलदे हां आपां अपने first rule ते ओके
अपने फर्स्ट रूल की है, रूल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ते अपना फर्स्ट रूल है, ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब. हुन इस रूल दी ना साडे विच की है, एक्सेप्शन भी की है. इस रूल मतलब ये रूल की सारे वास्ते एप्लीकेबल है. क्वेश्चन आंदा है कि आ जिहड़ा रूल है कि जिहड़ा मैं तुहानू लिखवाए है, फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन, थर्ड परसन, हुन तुसीं ये दसो कि आ जिहड़ा रूल है कि सारे वास्ते एप्लीकेबल है. नो, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द, इट इज़ होल ट्रू ओनली फॉर थर्ड परसन. मतलब जिथे जिथे थर्ड परसन यूज होया, थर्ड परसन की सीगा, ही शी इट और दे. ओके, उत्थे ही जिहड़ा रूल है होल ट्रू है. ओके, हुण मैं तुहानू ये सारी चीज़ जिहड़ी मैं तुहानू रूल दस्या है, इहनू मैं तुहानू एग्जाम्पल्स दे नाल क्लीयर करके दसदी हाँ, ठीक है, कि किवें रूल नंबर वन जिहड़ा साडा होल ट्रू नहीं करता फर्स्ट ते सैकेंड परसन दे नाल. ओके, साडा हुण साडी फर्स्ट एग्जाम्पल है, द मंकी ईट बनाना. The monkey eat banana. The monkey eats banana and the monkeys eat banana. ठीक है, हुण इस सेंटेंस दे विच तुसी देखो, मैं पहला ही सेंटेंस लिखा है, पहले सेंटेंस दे विच मंकी एक यूज किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक कोई मंकी है तो अपना की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के नाल साडी वर्ब जिहड़ी है सिंगुलर लगी है, एस या ई एस जी साडी मतलब वर्ब के पिछले लग जाए, सिंगुलर वर्ब बन जाती है. हुण तुसीं देख, मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि जे मंकी, मैं तुहानूं कहा सी ना ही शी इट दे और अदर परसन कोई भी होवे, ठीक है, कोई नेम, वो सारी चीज़ें किहदे विच आ जांदियां ने, थर्ड परसन दे विच आ जांदियां ने. ते थर्ड परसन दे विच मंकी थर्ड परसन दे विच आ गया, ते जिहड़ा रूल आपां लिखिया सी कि सिंगुलर सब्जेक्ट दे नाल, सिंगुलर सब्जेक्ट दे नाल सिंगुलर वर्ब यूज़ होएगी, ते प्लूरल सब्जेक्ट दे नाल प्लूरल वर्ब यूज़ होएगी. हुण साडे इत्थे सिंगुलर सब्जेक्ट दे नाल सिंगुलर वर्ब यूज़ होई है, ठीक है, आ सेंटेंस साडा बिल्कुल सही है, साडे रूल दे नाल चल रहा है. हुण इहदे विच देखदे हां कि मंकीज़ इत्थे प्लूरल आ गया, साडा सब्जेक्ट की है, इत्थे प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट. हुण प्लूरल सब्जेक्ट दे नाल साडी वर्ब कीड़ी लगी है, प्लूरल. वर्ब सिंगुलर उदो ही होंदी है जदों उहदे नाल एस या ई एस लग जाता है, ते ईट, ईट इतने प्लूरल वर्ब यूज है. ओके, ऐसी ये इस नहीं लगा, मतलब ये प्लूरल वर्ब है, ठीक है. हुण प्लूरल सब्जेक्ट दे नाल साडी यूज़ कीड़ी हुई है, वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है. ये सेंटेंस भी साडा ग्रामेटिकली करैक्ट है. ओके, क्लीयर है. हुण मैं तुहानू एग्जाम्पल दूसरी देनी हाँ कि ये किदा होल ट्रू नहीं है साडा, जिहड़ा असी की कहिंदे आ फर्स्ट ते सैकेंड परसन दे विच ये रूल होल ट्रू किवें नहीं है. ओके, हुण क्वेश्चन है, आई रेड newspaper daily, I read newspaper daily, और एक साडा we read newspaper daily, daily. ओके, हुण तुसीं देखो I इत्थे की है, फर्स्ट परसन, ते फर्स्ट परसन ये फर्स्ट परसन है, I फर्स्ट परसन है, ते सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है. रेड की है, प्लूरल वर्ब. रेड की है साडी, प्लूरल वर्ब. रीड्स तो नहीं लगा होया ना, ऐसा तो नहीं लगा होया, प्लूरल वर्ब. हुण तुसीं इत्थे देखो कि फर्स्ट परसन दे केस दे विच आई साडा फर्स्ट परसन है, ते फर्स्ट परसन ने सिंगुलर सब्जेक्ट होके भी प्लूरल वर्ब लै ली है इस सेंटेंस दे विच. ओके, मतलब तुहाडा फर्स्ट रूल जिहड़ा है ओनली होल ट्रू ओनली फॉर थर्ड परसन. हुण जे इत्थे एवें क्वेश्चन आ जाए किसी बच्चे नूं उस रूल की एक्सैप्शन ना पता होवे, वो कहेगा आई, आई सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इत्थे मैं रीड्स लगा देना, आई रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मतलब उत्थे की हो जाएगा गलत. ओके, आही चीज़ होंदियां ने जिहड़ियां तुहानूं राइटिंग स्किल्स दे विच पिछे कर देंदियां ने, ठीक है, ये चीज़ें तुहानूं पता होनियां चाहीदियां ने. कदी सानूं एसे वगैरह राइटिंग स्किल्स एग्जाम हुंदे आ ना, ठीक है, तो उहदे विच एसे लैटर वगैरह आंदा है, तो आह चीज़ें जे सानूं ना ही पता होंदियां ना, उत्थे ही आही चीज़ां की गलती होंदी है, ठीक है. आई रेड न्यूज़पेपर डेली. हुण वी, वी दे नाल वी भी की है साडा फर्स्ट परसन, इहदे नाल की आई है
वी है प्लूरल सब्जेक्ट और इतने प्लूरल वर्ब यूज हुई है हम तुम ये ना कह देना कि भी ये मैम बिल्कुल सही लिखे हुआ है इस चीज़ नू बट ए हैगा फर्स्ट पर्सन है किते किते होल्ड ट्रू हो जाती है बट जरूरी नहीं कि सारे विच ये चीज़ होल्ड ट्रू होवे आई थिंक क्लीयर है रूल तुम फर्स्ट रूल अपना की सी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा बट ओनली होल्ड ट्रू इन थर्ड पर्सन केस ओके लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट रूल अवर नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर सेकेंड व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड ओके व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड हॉन दिस इज अवर फर्स्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट वन एंड दिस इज अवर सब्जेक्ट टू एंड दिस इज कनेक्टेड विद एंड ओके इतने जे आ वाला केस आ जाए ठीक है उत्थे साड़ी जिहड़ी वर्ब यूज होएगी वी विल यूज द वर्ब प्लूरल वर्ब प्लूरल वर्ब विल बी यूज हियर ओके रूल नंबर टू व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड वी विल यूज प्लूरल वर्ब ओके हम प्लूरल वर्ब यूज हुई है हम मैं तुम्हें दी एग्जाम्पल लैके दस दी हाँ कि किदा ये चीज़ होल्ड ट्रू की है ओके माई मदर एंड माई फादर आर टॉकिंग टू ईच अदर ओके साड़ी एग्जाम्पल है कि मेरे मम्मा ते मेरे पापा गल कर रहे हैं एक दूजे नाल हुण तुसीं देखो माई मदर एक सब्जेक्ट है माई फादर एक सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट है कनैक्ट किहदे नाल किते हुए है एंड नाल ओके किहदे नाल कनैक्ट किते हुए है एंड नाल ते आपां जिहड़ी वर्ब यूज़ की है उत्थे की आर प्लूरल वर्ब आर इज़ ए प्लूरल वर्ब ना क्लीयर ना ईजी है रूल सैकेंड रूल आपां की कीता है कि जिहड़ी दो सब्जेक्ट्स जिहड़े एंड नाल कनैक्ट होणगे वह प्लूरल वर्ब लैणगे हुण मैं तुहानू इहदीआं एक दो एग्जाम्पल्स होर दसदी हाँ ही एंड आई एम प्लेइंग इज इट ट्रू कि यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट है इहदे ही तुहानू आ जांदीआं फाइंड एरर्स एरर्स फाइंड करो इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट नो ही एंड आई हेयर वी आर सीइंग टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड एंड द वर्ब यूज हेयर इज सिंगुलर सो दिस इज रॉन्ग आई आर प्लेइंग आर इज आर जिहड़ी है साड़ी करैक्ट वर्ब है जिहड़ी इत्थे यूज होएगी ओके ही एंड आई आर प्लेइंग हुण तुसीं देखो कि किद्दां साड़ी ग्रामर जिहड़ी है छोटे छोटे मतलब उहदे उत्ते भी बेस हुंदी है कि छोटे छोटे रूल्स भी सानू पता होने चाहिए है अपनी राइटिंग स्किल्स नू इंप्रूव करन वास्ते ठीक है इदां ही आ जांदा है इदां ही फाइन एग्जाम्पल एग्जाम दे विच एवें भी आ जांदा है मतलब फिलप्स दे रूप दे विच ही एंड आई डैश प्लेइंग तुहानू ओह दित्ते होणगे इज आएगा आर आएगा वर आएगा या फिर मतलब कुछ भी दित्ता होंदा है ना हुण तुसीं देखना कि हुण काफ़ी बच्चे थे इज इत्थे इज आएगा एम आएगा ठीक है हुण काफ़ी बच्चे एम ते टिक करके आएंगे कि आए दे नाल तां एम लगता है बट हो जाना गलत आना की है आर ठीक है क्लीयर है चलो अगले वर्ड ते चलते हैं आपां हुण अपना नैक्सट रूल है दो रूल आपां कर चुके हैं फर्स्ट रूल की किया सी सिंगुलर वर्ब विल टेक सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब ओके बट वो ओनली होल्ड ट्रू है इन थर्ड पर्सन केस तो सैकेंड रूल आपां किया है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनैक्टेड विद एंड दे विल टेक प्लूरल वर्ब उन्होंने नाल कि वर्ब लगेगी प्लूरल वर्ब लगेगी हुण आपां चलते हाँ अगला अपना की कहिंदे है पर ये जो हुण आपां सैकेंड रूल जिहड़ा आपां किया है एक और एग्जाम्पल दस दी हाँ गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मैटल
इतने भी आप गोल्ड तो सिल्वर दो साढ़े सबजैक्ट है ये आप जी वर्ब यूज की है प्लूरल दे सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करैक्ट ओके हूँ जो आप सैकेंड रूल किया आ जो रूल किया इनकी भी एक एक्सैप्शन है हूँ इनकी एक्सैप्शन की होएगी इनकी एक्सैप्शन ये है कि अगर जी चीज़ा ने दोनों चीज़ा अगर एक ही आइडिया एक्सप्रैस कर रही ने इफ दे आर एक्सप्रैसिंग वन आइडिया मतलब जो भी इतने यूज होया सब्जेक्ट वो एक आइडिया मतलब वन आइडिया एक्सप्रैस कर रहे ने सेम आइडिया एक्सप्रैस कर रहे ने तो उत्थे की होएगा ठीक है उत्थे सिंगुलर वर्ब यूज होएगी हुण ये किद्दां इंदी भी तुहानू एग्जाम्पल दसदी हाँ ठीक है ब्रैड एंड बटर इज ओनली फूड विच आई विल टेक इन माई ब्रेकफास्ट ठीक है ऐदा आ जाएगा मतलब इन माई ब्रेकफास्ट आपना सेंटेंस है हम तुसी देखो ब्रेड एंड बटर दोनों सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं ठीक है इतने वर्ब यूज केड़ी हुई है सिंगुलर ठीक है टाइम एंड टाइड्स हुण क्वेश्चन है एक और एग्जाम्पल है अपनी एक्सेप्शन किवें होल्ड ट्रू है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन दिस इज ए क्योट एक्चुअली एक क्योट है कि समा किसी की उडीक नहीं करता समा किसी की भी उडीक नहीं करता ठीक है इस करके अपने टाइम नू सानू वो करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मैटल मैं तुहानू क्वेश्चन किया कि टाइम एंड टाइड्स इत्थे दो सब्जेक्ट यूज होए पर इत्थे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मैटल इत्थे की है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों वक्रे वक्रे सब्जेक्ट है ठीक है इस करके इत्थे केड़ी यूज वर्ब हुई है प्लूरल वर्ब यूज हुई है ठीक है बट ये दोनों सेम आइडिया एक्सप्रैस कर रहे हैं तो इस करके इत्थे सिंगुलर वर्ब यूज हुई है ओके क्लीयर है रूल तुहानू आप कुछ होर क्वेश्चन भी करांगे जिन्हें प्रैक्टिस करांगे फिर तुहानू ये रूल होर क्लीयर होंगे जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ठीक है हुण आप नैक्सट रूल से चलते हैं अपने नैक्सट रूल इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनैक्टिड विद और नोर सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू दीज आर कनैक्टिड विद और नोर अगर कोई भी सब्जेक्ट है वह और ते नोर दे नाल कनैक्ट होया होया तो उहदे नाल कीड़ी वर्ब यूज होएगी सिंगुलर वर्ब यूज होएगी सिंगुलर वर्ब यूज होएगी आ तुसी सारे रूल्स जिहड़े ने ना जिहड़े मैं जिन्ने भी रूल्स करवाऊंगी एक पेज से लिख लैने हैं तां कि अगे तुहानू कोई भी सेंटेंस आवे तुहानू पता है कि इत्थे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल वर्ब यूज करनी है ओके हुण इहदी तुहानू मैं एग्जाम्पल देनी आ आइदर द कैट और माउस हैज बीन देयर दिस इज अवर एग्जाम्पल आइदर द कैट और माउस हैज बीन देयर दिस सेंटेंस इज कनैक्टिड विद और दे नाल कनैक्ट किया हुआ है सेंटेंस दो सब्जेक्ट यूज किए हुए हैं कैट ते माउस ठीक है तो इतने जी वर्ब यूज हुई है वह कड़ी हुई है सिंगुलर वर्ब यूज हुई हैज तो नहीं लगा हुआ ना इतने हैज लगा हुआ हैज इज सिंगुलर वर्ब ओके दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करैक्ट इदा ही तुम देखना जिमें हम उत्थे क्वेश्चन आ जाता फाइंड एरर्स कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये विच की देखिए सब तो पहले तुम ये देखना कि अगर वो दो सब्जेक्ट्स के नाल कनैक्टिड है वो जी वर्ब यूज हुई है वो अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज होनी चाहिए या प्लूरल यूज होनी चाहिए है वो सही तरीके यूज हुई हुई है या नहीं ठीक है इदा एरर्स तुम फाइंड आउट करनी ने हम जे एक नोर के नाल भी आप कर लें नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नाइदर फूड नोर वॉटर वर
found there. Now you will tell, is this sentence is grammatically correct? दसो कि सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट हैगा कि नहीं. नाइदर फूड ते वॉटर दो सब्जेक्ट यूज होए है, दो सब्जेक्ट्स दे नाल नोर दे नाल कनेक्टेड है सेंटेंस, है ना. ते वर्ब केड़ी यूज होनी चाहिए सी सिंगुलर, बट इत्थे केड़ी वर्ब यूज होई है प्लूरल, ते इत्थे की होना चाहिए सी सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए सी, दैट इज वॉज. ओके, नाइदर फूड नोर वॉटर वॉज फाउंड देयर. क्लीयर है? देखो तुसी इस रूल नू, फिर आप कर दे अपना नैक्सट रूल. नैक्सट ये रूल की है कि दो सबजैक्ट और या नोर दे नाल कनैक्ट होणगे तां उत्थे वर्ब कीड़ी आएगी सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब. पर इहदे विच तुसी ये देखो कि जिहड़े दोनों सबजैक्ट ने ना साडे, या दोनों सिंगुलर होंदे है, दोनों सिंगुलर सबजैक्ट है. ठीक है, फूड वॉटर, एक मैं तुहानू करवाया सी कैट एंड माउस. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी तुसी याद रखना है. ओके, क्लीयर है? चलते अगले वर्ड, अगला रूल अपना सेम इदा का ही है कुछ. उन्दे विच रूल नंबर 4 ते आ गए आप, 4 रूल्स आप कर चुके हैं. ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 की है कि If two subjects, one is singular subject and other one is plural subject, connected with or nor, then the verb use is plural verb. Okay, the verb use is plural verb. Okay. सिंगुलर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट साडा सिंगुलर है, नैक्सट वन इज़ प्लूरल, ते और ते नोर दे नाल जे कनैक्ट होणगे तां वर्ब कीड़ी यूज होएगी प्लूरल. हुण इहनूं आपां एग्जाम्पल दे नाल देख दिंदे आ. नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स वॉज प्रेजेंट देयर. Now see, ये सेंटेंस साडा ग्रामेटिकली करैक्ट हैगा या नहीं, देखो तुसी सेंटेंस साडा ग्रामेटिकली करैक्ट हैगा कि नहीं. सिंगुलर सब्जेक्ट देखो सेंटेंस दे विच, चेयरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट. द डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स एस लगा होया. सैकेंड जिहड़ा साडा सब्जेक्ट है वह की है प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट नाल तुहानूं मैं की दस्सिया वर्ब कीड़ी आनी चाहिए प्लूरल, इत्थे पर लगी कीड़ी है सिंगुलर, तो इत्थे आनी कीड़ी चाहिए सी प्लूरल. फिर सेंटेंस की सही होएगा, किहड़ा सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट होएगा, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर वर प्रेजेंट देयर. ओके, क्लीयर है? देखो इस सेंटेंस जिहड़े रूल्स ने मैं तुहानूं जिहड़े दस रही हाँ, इहदे नोट्स बनाओ, नाल नाल एग्जाम्पल्स लिखो, तो इदां ही जिवें मैं क्रॉस करके लिखिया तुसीं वी इदां ही लिखो, ताकि तुहानूं जदों एग्जाम टाइम ते पता लगे कि कित्थे किहड़ी वर्ब यूज होनी है. ओके, चलदे हां अगले वर्ड, अगले रूल ते. आपां फिफ्थ रूल, ओके, फिफ्थ रूल की है रूल नंबर 5, जेड़ी भी सेंटेंस आइदर नाइदर ईच एंड एवरीवन, आइदर नाइदर ईच एंड एवरीवन, इन्हां दे नाल जिन्ने भी सेंटेंस शुरू होंगे उन्हां दे नाल केड़ी वर्ब यूज होएगी सिंगुलर वर्ब. इत्थे मैनी भी आएगा, केड़ी यूज होएगी सिंगुलर वर्ब. ओके, इज इट क्लीयर? एग्जाम्पल ले लें, मैनी अ मैन हैज डन सो. हम तुम देखो मैनी तो सेंटेंस शुरू हो रहा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगी है, सेंटेंस साडा ठीक है. ठीक है,
अगला वर्ड करिए. अगला साड़ी एग्जाम्पल है, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड द कार. एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड द कार. बॉयज नू पसंद ही होंगे कार राइड करना, है ना. एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड द कार. हम तुम ये देखो कि यह सेंटेंस ग्रामेटिकली करैक्ट हैगा कि नहीं. साड़ी जी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जी वर्ब है एग्री कर रही है कि नहीं कर रही. एवरी वन ऑफ द बॉयज लव टू राइड द कार. हम मैं तुम्हें की दस सी एवरी वन जो सेंटेंस शुरू होने वर्ब कि लैनगे वो सिंगुलर. एवरी वन ऑफ द बॉयज वर्ब जी है सिंगुलर नहीं लई हुई, प्लूरल वर्ब यूज हुई हुई है इतने. तो फिर इतने वर्ब कि लगेगी प्लूरल. लव की जगह पर आप कर देंगे लव्स, ठीक है. सॉरी सिंगुलर वर्ब यूज होनी है इतने. एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड द कार. इतने प्लूरल वर्ब यूज हुई हुई है तो सिंगुलर यूज होएगी. ओके क्लीयर. अगले तो चलते हैं, अगली एक होर एग्जाम्पल देखते हैं. Either they or their teacher has decided to leave the class. This sentence is starting with either. Okay. हुण तुसी दसो कि इत्थे जिहड़ी verb है जिहड़ी singular use होएगी या plural use होएगी, ठीक है. Has सिंगुलर वर्ब यूज हुई हुई है. दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करैक्ट. ओके क्लीयर. सो अज आप किते रूल कुछ पांच रूल किते है, तुसी देखने इन्हें रूल्स नू, ठीक है. तो कुछ जेडे क्वेश्चंस तुसी प्रैक्टिस करने है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नैक्सट सैशन के आप देखेंगे इस तो अगे रूल्स, ठीक है. टोटल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं कुछ तुम्हें 20 को या 15-20 को रूल्स करवाऊँगी. ओके तो उन्हें ही साड़ी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कंप्लीट हो जाएगी. ओके आई थिंक वे तुहानू वधिया लगे, ठीक है. ओके अगर की कहिंदे है इस इन्हां दी प्रैक्टिस करना. अगर कोई प्रॉब्लम होई कमेंट सैक्शन दे विच दसना, आई विल क्लीयर इट. ओके मिलते हैं नैक्सट सैशन दे विच. थैंक यू.